मैं आवाज दे रहा हूं भाई नवल सुधांशु लखनऊ से। लखीमपुर खीरी की भूमि से मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ से कुछ उद्गार निकले थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सुबह थे। पंडित वंशीधर शुक्ल की भूमि से मैं चकिया की कीना राम बाबा की इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे ही मरी मरी तालियां बजाते रहिए, जब तक हम उठ ना जाएं तब तक आप लोग ऐसी थे। एक बार संवेद स्वर इस कवि सम्मेलन को दीजिए, दोनों हाथ खड़े करिए चकिया वालों। अगर आपके भुजाओं में ताकत है तो एक बार महोत्सव करिए, दोनों हाथ तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन का आरंभ करिए। मैं आमंत्रित करता हूँ इस मास वाग देवी सरस्वती का आमंत्रण करता हूँ इस मंच पर। रुचि दीदी की उपस्थिति है, मैं चार पंक्तियों से इस पूरे माहौल को बनाता हूँ। आगे से पीछे तक मेरे जितने नौजवान दोस्त हैं अपने प्रेम के गीतकार को समर्थन देंगे, लेकिन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। गंगा जमनी तहजीब की बात इमरान ने की, बहुत बरखुदार आपने शानदार पढ़ा, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ लखीमपुर खीरी की ओर से। मैं आपको भी नजर करता हूँ, एक बड़ा निर्णय हमारे हिंदुस्तान के पास में है। मैं हिंदुस्तान की उस भूमि से बात कर रहा हूँ, एक निर्णय की बात कर रहा हूँ। आप दल भूल जाइए किस दल के हैं, आप सिर्फ इंसानियत को याद रखिए। कैसा निर्णय कि हम मोहब्बत से कैसे काम कर सकते हैं। इमरान तुम सुनना। स्वागत 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 अभिनंदन। कि सारी नफरत व नफर के मिटाने आए हैं, वैसे बजती है तालियां बजा देते तो अगली पगली पढ़ते। जय हो जय हो जय हो। कि सारी नफरत व नफर के मिटाने आए हैं, बात है ये पते की तो बताने आए हैं, बात है ये पते की तो बताने आए हैं। रूठ कर बैठे हो तुम ऐसे हामिद की तरह, प्रेम की बात। रूठ कर बैठे हो तुम ऐसे हामिद की तरह, जरा मंच खुलना, आगे से पीछे तक दोनों हाथ हवा में लहरे। रूठ कर बैठे तुम ऐसे हामिद की तरह, जैसे हम राम का मंदिर बनाने आए। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, अद्भुत लगा कि हाँ बैठे हो, अद्भुत। जैसे हम राम का मंदिर बनाने आए हैं, चार पंक्ति अनुवाद करता हूं। कि लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना, मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना, मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना। मेरा दावा है कि राम लिख देना, बहुत आभार चकिया। फेंकना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना। जय हो जय हो। भाभी जी जहाँ कहीं भी हो दो माला पहना के गए हैं, इसकी जिम्मेदारी इनके इनसे खबर ले लीजिएगा, मैं ही आपका वैधानिक देवर हूँ। आज की सुनाता हूँ चार बन के, सुना दादा सुनना। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, मंच भी जरा जागृत रहे, सबके चरणों में निवेदित करता हूँ। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था इमरान, वहां से एक फोन आता है एक मेरे भाई का। वो कहता है अब्बू मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हिंदुस्तान का जलवा देखना, अगर एक देवता में अंकित कर पाया आपके हृदयों में तो आपकी भुजाएं फड़क उठेंगी अंतिम पंक्ति पर और दोनों हाथ खुलेंगे आगे से पीछे तक जो लोग बैठे हैं। मैं दावा करता हूँ लखीमपुर खीरी की भूमि से इस तपस्थली की भूमि को कि आपके दोनों हाथ उस याचना में उस प्रार्थना में उठेंगे। दादा सुनना, एक फोन आता अब्बू मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं खाला को कैसे देखूंगा, मैं अप्पी को कैसे देखूंगा, मैं भाईजान से कैसे मिलूंगा। उस बाप का एक जवाब सुनना उस बेटे के नाम और मोहब्बतों का पैगाम देना अपनी तालियों से। बाप का जवाब सुना अपने बेटों को, क्या बताता, क्या रास्ता दिखाता है वो। ये नहीं कहता अल्लाह को याद करना है, राम को याद करना है, एक तरीका बताता था। प्रेम दादा सुनना, आपको चरणों में समर्पित करता हूँ, पूरा मंच साथ दे और सामने बैठे लोग साथ दे जिससे मोहब्बतें और जवान हो। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, अपने बेटे से कहता वो, कि नफरतों से भी नाता तोड़ लेना,
और वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, वतन की ओर तुम रुख में मोड़ ले। सुन बेटे कि वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, और पराए मुल्क में जब जान पर आफत तिरंगा उड़ ले। बहुत आभार मेरे बेटे, एक बार अपने आगे से पीछे तक हिंदुस्तान बैठा है, दोनों हाथ उठे आगे से पीछे तक कि मोहब्बतों की जमीन है और यहाँ पर मोहब्बत बोई जाएगी। मेरे बेटे तिरंगा उड़ ले, चार पंक्तियों में निर्देश करता हूँ कि मेरे बेटे तिरंगा, चार पंक्तियों में सुनाता हूँ कि एक दिन दिए ने कहा, मन से सुन रहे आप सभी लोग, जुड़ गया मन, कि एक दिन एक दिए ने कहा। साउंड वालों मैं तुमको विशेष रूप से सुना रहा हूं, आप ही के हर मेरी मार्केट है। कि एक दिन सुनना दादा, कि एक दिन दिए ने कहा, मन पतंगे सा कोई नहीं। एक दिन एक दिए ने कहा, मन पतंगे सा कोई नहीं, और तप भगीरथ सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं। तालियां दो दिन पत्ते पर आपकी उठे कि तप भगीरथ सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं। झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। और जरा चकिया वाला साथ देना कि झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। रंग सारे मिले हर जगह, रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। बहुत बहुत आभार आप सबका कि रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा को। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अब लड़कों में आपकी मोहब्बत पढ़ देता हूं, बुजुर्ग क्षमा करें, लेकिन मोहब्बत आपने भी कभी की होगी अपने को, खुद को ही बोलिए बुजुर्ग। मैं वापस लेता हूं, ये सब नौजवान बैठे हैं, मैं इनके लिए तालियां बजा देता हूं। सारे नौजवानों के लिए चकिया में सब नौजवान है, कोई बुरा नहीं है। उन्हीं नौजवानों के नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। दादा सुन, स्वागत स्वागत। एक लड़की के नाम एक संदेश देता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, अगर कोई दिल तोड़ करके जाए तो देना नहीं मांगना। मैं सुना कि अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें। जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें, वो अंगूठी। बहुत आभार। वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें। अब शायरी की शुरुआत हुई है तो अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि तालियां कमजोर है। ये पता नहीं पुरुष कहां से जा रहे हैं, पुरुष ही आ रहे हैं। या तो भैया जाना बंद कर दो, या तो आना बंद कर दो, दो चीजें में से एक कर लो। मैं देख रहा हूं, जब से मैं पढ़ रहा हूं तो थोड़े माहौल महोत्सव का ही बन गया।
ऐसा नहीं कहा था, थोड़ा सा सुन लीजिए भाई साहब, ठहर कर मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनना। कि पथ आया है, गिट्टी गिट्टी आई है, पूरे देश में यात्रा की पंक्तियों में, कि पथ आया है, गिट्टी गिट्टी आई है, एक नगर की महकी मिट्टी आई है, एक नगर की महकी मिट्टी आई है, जिसने मेरे पत्र जलाए थे पहले, मुझको उस लड़की की चिट्ठी आई है, मुझको उस लड़की की चिट्ठी आई है, और मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से। सुनो लड़की, मैं आपसे नहीं कह रहा, मुझे मालूम है, मुझे नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरे की चांद के चक्कर में अपनी चांद हो चुके हैं। कि पथ आया है, गिट्टी गिट्टी आई है, मोहब्बतों के नाम कि पथ आया है, गिट्टी गिट्टी आई है, और मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तेरा तालियां खोलना, कि मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, मेहंदी से तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, और कि मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है, और आने लगे कुभवरे, आने लगे कुभवरे, मैं तुम्हें बताऊं, दिल धड़के तरह जा सूचित करना मुझे, कि आने लगे कुभवरे, मैं तुम्हें बताऊं, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। एक लड़की है, संस्कारों की बात की, वो लड़की कैसे किस तरीके से बात करनी है हमें, वो लड़की चाहती क्या है, हमारे हिंदुस्तान की लड़की कैसी होती है, मन उसका कैसा होता है, तन भले ही कितना खूबसूरत हो लेकिन मन उतना ही सुंदर हो तो वो सरस्वती बन जाती, लक्ष्मी बन जाती। मैं सुनाता हूँ चार पंक्तियां उसी के नाम। लड़के जब कहते फप्पियां खसते हैं तो एक लड़की के हवाले से मैं कहता हूँ कि लड़की कहते मोहब्बत किससे करेगी, तो मैं बताता हूँ किससे करेगी। कि पहले कभी ना शरारत करेगी वो लड़की, पहले कभी ना शरारत करेगी, और पलट कर ना वो फिर शिकायत करेगी। चकिया वाला जरा खामोश मत रहना, आगे से पीछे तक पंक्तियां उठे, आपकी जमानत पर पढ़ता हूं। कि पहले कभी ना शरारत करेगी, पलट कर ना वो फिर शिकायत करेगी, और तिरंगे से जो भी मोहब्बत करेगा, तिरंगे से जो भी मोहब्बत करेगा, ये लड़की उसी से मोहब्बत करे। बहुत बात, क्या बात इतनी सुंदर प्रस्तुति पे चकिया वालों को क्या से क्या कर देना चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत आभार चकिया, मन रखने के लिए अभी तक आप जागृत हुए थे, मैं मुझे एहसास हुआ, लेकिन आगे ने संवेद तालियां नहीं उठी है मेरा, मुझे दुख लगा, लेकिन इस पंक्ति पर मैं जो पंक्तियां आपको देने जा रहा हूं, इन पंक्तियों पर पूरा चकिया जागृत हो और जागृत होगा, क्योंकि मैं सबके मन की बात करने जा रहा हूं। कि दिलों में बांखों के अंदर रहूंगा, दिलों में बांखों के अंदर, सबके मन की बात है, इसमें पद प्रतिष्ठा भूल करके दोनों हाथ खड़े करना, जो कि आपके खुददारी की बात करता हूं, अगर कोई लड़की दिल तोड़े तो मेरी तरफ से उसे जवाब देना। कि दिलों में आंखों के अंदर रहूंगा, नदी के लिए मैं समंदर रहूंगा, नदी के लिए मैं समंदर रहूंगा, और तुम्हारी नजर में भले कुछ रहूं ना, सुन
प्यार की तुम्हारी नजर, जरा जाग जाए पूरा चकिया, कि तुम्हारी नजर में भले कुछ रहूं ना, मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका चकिया। मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा, मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा, मैं माँ की। और लड़कों जरा आपको मैं एक नसीहत देता हूँ इसी मोहब्बत के हवाले से, कि दिल की ये बाजी जो हारे रहोगे, मोहब्बत में बिल्कुल किनारे रहोगे, मोहब्बत में बिल्कुल किनारे रहोगे, दिल की ये बाजी जो हारे रहोगे, मोहब्बत में बिल्कुल किनारे रहोगे। अगर जवाब ठीक तक पहुंचा हो, अगर प्रैक्टिकल पूरा बताया हो, तो काम पूरा करना मेरी तरफ से, कि दिल की ये बाजी जो हारे रहोगे, मोहब्बत में बिल्कुल किनारे रहोगे, और अगर लौट आए उसे फूल देकर, काम पूरा करना, अगर लौट आए उसे फूल देकर, तो सच है उम्र भर कुंवारे रहो, तो सच है उम्र। बहुत 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 आहा आहा।